है और कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप का बहुत बहुत बधाई हो जो इस तरह से काम कर कर जेल गए हैं। आप सभी को बता दें कि विरोधी के लोगों को कहना है कि मनीष कश्यप ने बहुत गलत काम किया था, मनीष कश्यप को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मनीष कश्यप का समर्थक का कहना है कि बहुत ही अच्छे काम करते थे मनीष कश्यप और इसीलिए उनकी समर्थक इतना कर रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन आजकल तो पत्रकार कोई भी बन जाता है लेकिन मनीष कश्यप जैसा नहीं। आप लोग बता देना चाहते हैं कि लगातार मनीष कश्यप पर अपराधी माना जा रहा है, लगातार उनको इस तरह से विरोध किया जा रहा है, लेकिन आप लोग बता देना चाहते हैं कि विरोध करने वाले 4% है लेकिन सपोर्ट करने वाले लाखों में उनकी आ गया है। कोई यूपी से बधाई दिया जा रहा है, कोई झारखंड से बधाई दिया जा रहा है, कोई बिहार से बधाई दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि टेंशन मत लीजिए मनीष भैया, हम आपके साथ है। जानकारी के बता दें, आप लोग सभी को बता दें कि वीडियो को अभी दबाकर शेयर कर दीजिए, बाकी हम सभी जानकारी बताएंगे आखिर विरोधी को क्यों चूल मची है मनीष कश्यप को बदनाम करने में। आप सभी को बताएंगे आखिर मनीष कश्यप का अच्छे कामों का समर्थक देखकर हर कोई का दीवाना हो चुके हैं और हर कोई कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के साथ में जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप ऐसा आदमी नहीं था, देशद्रोही नहीं था जो उनको झूठा आरोप लगाकर देशद्रोही साबित करने से कोई साबित नहीं कर सकता है। लेकिन आप लोगों को बहुत बड़ा अपडेट ये बता दें कि मनीष कश्यप का भलू जेल चल गया है लेकिन लाखों मनीष कश्यप खड़ा हो चुके हैं और मनीष कश्यप को इंसाफ मांगा जा रहा है। लेकिन आप लोग को बता देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग ही वजह हैं, क्योंकि आप लोग नहीं चाहते। यदि आप लोग नहीं सोशल मीडिया पर ट्वीट करवाते, यदि सोशल मीडिया पर आप लोग आई सपोर्ट मनीष कश्यप नहीं लिखते तो इतना बड़ा चर्चा का विषय नहीं था। आप लोग बता देना चाहते हैं कि केस तो बहुत पत्रकारों पर हुआ था लेकिन मनीष कश्यप पहला पत्रकार था जो इस तरह से चर्चा हुआ है। आज भी सोशल मीडिया तरह मान रहा है और कहा जा रहा है कि कौन है मनीष कश्यप जो लोग इतना फॉलो किया है, लोग इतना समर्थक किया है, लोग इतना सोशल मीडिया पर गर्दा मचा रहा है, आखिर मनीष कश्यप ने अच्छी काम कौन किया। लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, बार बार यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आप लोग के समर्थक के आगे हर दीवाना हो चुका है, हर कोई फेल हो चुका है, चाहे कितना बड़ा सिस्टम हो, चाहे कितना बड़ा सरकार हो, चाहे कितना बड़ा वो अपना आपको पावरफुल हो, सर जनता के पीछे झुकना ही पड़ता है। लेकिन मनीष कश्यप जानते थे कि जनता ही इंसाफ दिला सकती है और जनता ही बदनाम कर भी सकती है। लेकिन आप लोग बता देना चाहते हैं कि मनीष कश्यप का जब से जेल गए हैं, जब से सोशल मीडिया आज भी तरह मान रही है, लेकिन अंधेर नहीं, फिर मनीष कश्यप आएंगे, वही काम करेंगे, तब विरोधी लोगों को कितना बड़ा खलबली लगेगा आप उस समय का अंदाजा अभी लगा सकते हैं। बाकी हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मनीष कश्यप का समर्थक का आज भी सोशल मीडिया पर वही कहना है कि आखिर मनीष कश्यप के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मनीष कश्यप ने ऐसी कौन सी गलती कर दिया जो लोग इस तरह से टिप्पणी किया जा रहा है, इस तरह से उनको बदनाम किया जा रहा है, उनको छवि पर उछाला जा रहा है। लेकिन ऐसा पत्रकार खोजने से भी लोगों को नहीं मिलेगा। आज के डेट में सभी को समर्थक करना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे पत्रकार का और जो गरीबों का मसीहा बनते हैं और हमेशा रहेंगे वो मनीष कश्यप का नाम होता है। आप सभी को समझ ही गए होंगे। बाकी वीडियो को दबाकर शेयर करते रहिए और जन जन के पास पहुंचाते रहिए। यदि इस पेज को फॉलो नहीं किए होंगे आप लोग फॉलो। बाकी मनीष कश्यप का जितना भी रिलेटर में अभी देख रहे हैं उसी तरह से सोशल मीडिया पर गर्दा मत रहेगा और मनीष कश्यप का समर्थक का भी यही कहना है। जय हिंद।